डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप बच्चों में उम्मीद करता हूं आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए एक छोटा सा सेशन लेकर आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं मैं मंजेश जैन फैकल्टी बायोलॉजी एलएन एन करी इंस्टीट्यूट कोटा But in this session, we will be discussing some of the strategical aspects which every student should follow before starting to prepare or revise the fifth unit of the 11th class biology, that is human physiology. Or, in today's section, we would be emphasizing particularly on the three most important topics of human physiology. The first one would be body fluids and circulation, the second would be excretory products and their elimination, and the last would be locomotion and movement. respectively mentioned on NCERT page number 278, 290 and 302. बच्चों मैं जानता हूं जैसे जैसे मेन एग्जाम नजदीक आता है एक शब्द है जो बच्चों के दिमाग में घर बना लेता है और वो शब्द होता है कन्फ्यूजन बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चे हमसे शेयर भी करते हैं जैसे कि आपके सामने मैंने यहां पर कुछ कन्फ्यूजन को मेंशन किया है दिमाग में कंफ्यूजन चलता है कि सर इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मुझे कितना समय खर्च करना चाहिए इन टॉपिक्स का नीट एग्जाम में वेटेज कितना है सर इन टॉपिक्स को मुझे कहां से पढ़ना चाहिए क्या मॉडल से पढ़ना चाहिए क्या एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए या फिर दोनों जगहों से पढ़ना चाहिए सर अगर मैं इनको पढ़ भी लेता हूं तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे कहां से करनी चाहिए यह भी कंफ्यूजन बना रहता है क्या कुछ सेलेक्टेड सब टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको पढ़ने से नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाए और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह बना रहता है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा होगा इन टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए मेरे प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए यानी कि बच्चों कन्फ्यूजन्स 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 एंड आई नो यू डोंट लाइक यू अवॉइड बट कन्फ्यूजन्स लाइक्स यू यू कांट अवॉइड पर बच्चों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता है आपका अपना एजीएफ दैट इज गाइडेंस फोर्स और देखिए बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूं जैसे ये सेशन एंड होने वाला होगा इन टॉपिक्स को लेकर आपके सभी जरूर दूर हो जाएंगे तो देखिए बच्चों सबसे पहला कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं कि इन टॉपिक्स का नीट एग्जाम में वेटेज कितना है तो देखिए बच्चों एक सिंपल से पाईचार्ट से मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं पिछले छह सालों में यानी कि बच्चों नीट 2016 से लेकर नीट 2021 तक टोटल पेपर्स पेपर्स हुए हैं और इन 9 पेपर्स में इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस लेकर नीट तो देखिए बच्चों बॉडी एंड सर्कुलेशन से टोटल 14 क्वेश्चंस आए हैं एक्सक्रीटरी एक्सक्रिटिव प्रोडक्टर एलिमिनेशन से थर्टीन क्वेश्चन आए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट से फोर्टीन क्वेश्चन आए हैं यानी कि बच्चों ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर साल इन सभी टॉपिक से इंडिविजुअली एक या मोस्टली दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर बच्चों अगर हम टोटल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कैलकुलेट करें तो वो बनती है बच्चों टोटल ऑफ 24 मार्क्स और मुझे बताने की जरूरत नहीं बच्चों 360 आउट ऑफ 360 के टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही सुनहरी अपॉर्चुनिटी होगी तो बच्चों इन टॉपिक्स का नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज आपको देखने को मिलता है अब सेकेंड इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन ये रहता है क्या सर कुछ सेलेक्टेड सब टॉपिक्स होते हैं जिनको पढ़कर मेरे सारे जो हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए तो बच्चों मैं आपके सामने इन सभी टॉपिक्स के कुछ सेलेक्टेड सब टॉपिक्स आपको बताना चाह रहा हूं पर मैं आपको पहले बता दूं बच्चों बायोलॉजी है तो आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए पर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बेहद जरूरी है तो देखिए बच्चों वन बाय वन आपके सामने रख रहा हूँ द फर्स्ट वन इज बॉडी एंड सर्कुलेशन और बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा बच्चों ब्लड ब्लड आपको ये दिमाग में बांध बच्चों टॉपिक के जितने भी सब टॉपिक्स हैं चाहे बच्चों वो ब्लड का कंपोजिशन हो चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग ब्लड कॉगुलेशन हो चाहे वो ब्लड ग्रुपिंग आर एच फैक्टर या द कंसेप्ट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिटलिस हो आप कसम खा लें कि ब्लड वाले टॉपिक को आप बिना रिवाइज किए मेन एग्जाम में नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों टोटल जो 14 क्वेश्चंस लास्ट सिक्स ईयर्स में आए हैं उनमें से बच्चों जो 10 सवाल पूछे गए हैं वो ब्लड वाले टॉपिक से पूछे गए हैं सेकेंड सब टॉपिक की बात करूं बच्चों तो आपको हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको हार्ट की जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए बच्चों जैसे कि स्पेशली वॉल्स की पोजीशन पूछी जाती है बाई कस्पिड वॉल मिट्टल वॉल किन चेंबर्स के बीच में होता है ट्राई कस्पिड वॉल की पोजीशन क्या है तो मैं चाहूंगा बच्चों हार्ट की जनरल एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए फिर हार्ट के अंदर बच्चों इंपल्स के कंडक्शन का जो पाथवे होता है और उन नोडल टिश्यू के सभी कंपोनेंट्स की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए जैसे कि एसे नोड इंटर नोडल पाथवे एवी नोड एवी बंडल दैट इज बंडल ऑफ हिस बंडल ब्रांचेज एंड परकिंजे फाइबर्स और बच्चों लास्ट में हार्ट में कार्डियक साइकिल को आप जरूर पढ़कर जाएं और बच्चों इस वाले पार्ट से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके कर जाएंगे फिर बच्चों इस चैप्टर के अंदर मैं चाहूंगा ब्लड प्रेशर और डिसऑर्डर्स को भी जो है आप स्पेशली एनसीईआरटी वाले पार्ट से जरूर कवर करके कर जाएं और बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा ब्लड बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के साथ एक सेकंड इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है दैट इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बच्चों अगर आप एनसीआरटी में ईसीजी को देखेंगे तो आप खुद जानते हैं दस से पंद्रह मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है और इससे भी मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है तो बच्चों में इतना कहना चाहूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा पढ़ना है पर ब्लड और इसीजी को तो आपको डेफिनेटली रिवाइज कर, कर जाना ही चाहिए चलिए बच्चों हम सेकेंड चैप्टर की तो बात करते हैं दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन बच्चों इस चैप्टर से मोस्टली दो वेराइटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो बच्चों वो मैज द कॉलम हो सकता है अगर मैज द कॉलम होगा तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को वो यूज करते हैं या फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को तो इस वाले पार्ट को आप जरूर पढ़कर जाए या फिर बच्चों इस चैप्टर में दो सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं एक होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म जहां पर हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करना होता है और बच्चों रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जिसमें आप एएनएफ की बात करते हैं रास मैकेनिज्म की बात करते हैं एडीएच की हम बात करते हैं बच्चों और मायोजेनिक मैकेनिज्म और बच्चों इस वाले सेगमेंट से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जैसा आपने देखा भी होगा कई बार सवाल आते हैं कि लूप ऑफ हेनले को रिमूव कर दिया जाए तो फिल्ट्रेट पर क्या असर होगा PCT को रिमूव कर दिया जाए तो फिल्ट्रेट पर क्या असर होगा यानी कि बच्चों इस चैप्टर को मैं सजेस्ट करूंगा इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है आप मॉडल से इसको जरूर से पढ़कर जाना चाहिए चलिए बच्चों हम लास्ट चैप्टर की बात करते हैं दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स का बच्चों स्पेशली एनसीईआरटी में जितने भी मेंशन हैं चाहे वो गाउट हो सकता है वो आर्थराइटिस हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या फिर बच्चों और भी कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि टिटेनी हो सकता है मैं चाहूंगा आप डिसऑर्डर्स वाले पार्ट को जरूर रिवाइज करके जाए बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको पता होनी चाहिए और उसमें बेसिक कंसेप्ट बच्चों थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स पर कंसेप्ट ये है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन कोई सा भी फिलामेंट हो फिलामेंट की लेंथ चेंज नहीं होती है सिर्फ के साइज जो है वो वेरी कर सकती है और बच्चों इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मसल्स आप जानते है बच्चों, हैं muscle, muscle बच्चों थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स की जाती है और उससे रिलेटेड हमको जो है करेक्ट प्रॉपर्टी वाले स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना होता है तो देखिए बच्चों यहां पर हमने तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की बात की है अब लास्टली इंपॉर्टेंट बात है बच्चों दैट इज स्ट्रेटेजी बच्चों मैं चाहूंगा कि इन टॉपिक्स को आप मॉडल और एनसीआरटी दोनों से रिवाइज करें और स्पेशली बच्चों आप जानते हो हमारे एल के मॉडल में आपकी एनसीआरटी को एज इट इज मेंशन किया गया है और मैं चाहूंगा बच्चों बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा आप थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें क्योंकि बच्चों बायोलॉजी इज जस्ट लाइक फेसेस द मोर यू सी देम द मोर यू रिमेंबर देम बच्चों जब मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए मैं जानता हूं आपने अपनी पुरानी एनसीईआरटी में काफी कुछ लिख रखा होगा वो अपनापन आपको दिखाती होगी पर बच्चों कम से कम नई एनसीईआरटी ना भी लें तो आप अपनी पुरानी एनसीईआरटी को न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपडेट जरूर कर ले फिर कंफ्यूजन ये बना रहता है कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें तो बच्चों सबसे बेस्ट होता है जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप जरूर से सॉल्व करें और बच्चों ये रहता है कि सर कितना टाइम खर्च करना चाहिए तो बच्चों एल के टेस्ट के शेड्यूल को आप फॉलो करें चाहे वो माइनर टेस्ट हो चाहे वो मेजर टेस्ट के शेड्यूल हो बच्चों ये शेड्यूल बहुत ही मेहनत से डिजाइन किए जाते हैं तो इन शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए आपके सभी टॉपिक्स को आप ढंग से कवर कर पाएंगे और देखिए बच्चों लास्ट में जो है अगर आप एनसीईआरटी का रिवीजन चाहते हैं तो जो एलन के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है आप जो हैं बर्न टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुकलेट को सॉल्व कर सकते हैं तो ये थी बच्चों द स्ट्रेटेजी जो हमको फॉलो करनी चाहिए और बच्चों सेशन के लास्ट में एक स्लाइड मैंने ऐड किए दैट इज वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन बच्चों यहां पर कोई भी मोटिवेशनल कोटेशन में आपके सामने कोट नहीं करूंगा मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो बायोलॉजी के अंदाज में आपको समझाना चाहूंगा बच्चों आपकी इलेवेंथ क्लास की बायोलॉजी एनसीआरटी पेज नंबर थ्री ट्वेंटी वन पर एक हेडिंग लिखा हुआ है इज़ सिस्टम uh, और वहां लिखा हुआ है अलोंग विद द विदोथल इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन एंड मोटिवेशन बच्चों में आपको बताना चाहूंगा एक हमारा मोटिवेशनल बिहेवियर होता है दैट इज रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन यानी बच्चों पुरस्कार की चाहत में हम बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं जैसे बच्चों आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जी जान कर एफर्ट्स यहाँ पर शो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक पुरस्कार जरूर मिलेगा और बच्चों मुझे उस पुरस्कार को शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा बच्चों जब आप इस यूनिफॉर्म को पहनेंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हैं दे आर टोटली वर्थ इट। तो बच्चों इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ आप मुस्कुराते रहेंगे खूब मन लाकर पढ़ाई करेंगे एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच